तो दोस्तों यदि आपने भी SSC हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में फॉर्म को अप्लाई किया है तो लीजिए इसके एग्जाम के एडमिट कार्ड अभी अभी रिलीज कर दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे किस तरीके से आपको अपने एग्जाम के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। वहीं लाखों अभ्यर्थियों के फॉर्म हुए रिजेक्ट, चेक कर लीजिए कहीं आपका भी फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं कर दिया गया है। किस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करेंगे, SSC ने इस पर क्या कहा है, कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आ चुके हैं SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहां पर आने के बाद तो अगर आपने SSC हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में फॉर्म को अप्लाई किया है तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसके एग्जाम के जो एडमिट कार्ड हैं वह अभी अभी कुछ मिनट पहले ही रिलीज कर दिए गए हैं। तो किस तरीके से आपको उन्हें डाउनलोड करना है इसके बारे में सबसे पहले विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर आ जाना है। यहां पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, जहां लिखा होगा आपको ये एडमिट कार्ड का, जो आपको ये एडमिट कार्ड का सेक्शन देखने को मिल रहा है इसी के ऊपर आपने क्लिक करना है। चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे देखिए हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार का विंडो जो होगा हमारे सामने ओपन होगा। अब यहां पर आने के बाद आप देखेंगे कि राइट साइड में कई सारे आपको यहां पर URL जो होंगे रीजन वो आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस प्रकार से। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको ये देख लेना है कि किस रीजन से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है या फिर किस रीजन से आप बिलोंग करते हैं, तो उसी रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और उसके लिए जो यहां पर इनका URL है इसी के ऊपर आपने क्लिक करना होगा। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैं किसी एक को ओपन करके दिखा देता हूं, तो यहां पर जो अभी सेंटर रीजन लिखा हुआ आ रहा है हम क्या करते हैं कि सेंटर रीजन के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। चलिए हम इसी जो सेंटर रीजन लिखा हुआ है इसी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो थोड़ा सा देखिए जो सेंटर रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका प्रोसेसिंग हो रहा है और बस कुछ ही सेकंडों में जो सेंटर रीजन का वेबसाइट है वो यहां पर ओपन हो जाएगा। अलग अलग रीजन की वेबसाइट ओपन होने का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, तो साइट चेक की जाती है, चेक करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद ही जो साइट है वो यहां पर ओपन होती है SSC की। तो फाइनली दोस्तों देखिए जो SSC का हमारा साइट है वो देखिए ओपन हो चुका है। अब देखिए यहां पर एक पॉपअप आया है तो इसको यहां से जो क्रॉस का साइन बना हुआ है इस पर क्लिक करके इसे हटा देते हैं। यहां पर देखिए जैसे दोस्तों हमने इसे हटा दिया, हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर सबसे ऊपर की तरफ आपको एक स्टेटस देखने को मिलेगा और ये स्टेटस आप यहां पर डेट देख सकते हैं कि 1 अक्टूबर 2022 का है और जिसमें आपको लिखा हुआ मिल रहा है स्टेटस डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022 बी हेल्ड फ्रॉम 10/10/2022, यानी कि 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक जो इसके एग्जाम है वो चलने वाले हैं। अब देखिए आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है सेंट्रल रीजन का, तो आपको सिंपली यही जो आपका लिखा हुआ आ रहा है ये नोटिस, इसी नोटिस के ऊपर आपने क्लिक करना है। चलिए देखिए हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए कुछ जरूरी जो दिशा निर्देश है वो देखिए यहां पर दिए जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो जो ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं इसे ध्यानपूर्वक जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, उम्मीदों के लिए दिए जा रहे हैं, SSC ने यहां पर काफी सारी चीजें बताई हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर का। जैसे ही क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलता है हम इसी के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर अभी भी हमसे कहा जा रहा है कि अगर देखिए आपको अपने रीज़न नहीं पता है कि आपका कौन सा रीजन है, तो आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट राजस्थान दिल्ली उत्तराखंड से हैं उनका नॉर्थ रीजन होगा तो इससे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, आपको नॉर्थ रीजन में जाना पड़ेगा। तो यहां पर अभी आपको सारे डिटेल्स में बताया जा रहा है कि आप अपना रीजन एक बार ध्यान से देख लीजिए, लेकिन अगर आप डेफिनेटली श्योर हैं कि आप सेंट्रल रीजन से हैं तो फिर आपको नीचे यहां पर जो ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड नाउ का, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश या फिर बिहार के कैंडिडेट हैं तो फिर आपका सेंट्रल रीजन बनता है, तो आपको प्रोसीड नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए हम प्रोसीड नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। यहां पर क्लिक करने के बाद देखिए तीन तरीके से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे या फिर अपने स्टेटस को चेक कर पाएंगे। सबसे पहला यहां पर जो कॉलम आप देख पा रहे हैं, तो अगर आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी यहां फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ यहां सेलेक्ट कर लेना है, अपना जो एग्जाम का सिटी है उसे यहां सेलेक्ट कर लेना है। देखिए अब एग्जाम का सिटी क्या सिलेक्ट करना है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपने कुल मिलाकर 3 वहां पर सेंटर को चूज किया होगा,
एग्जाम देने के लिए, यानी कि 3 सिटीज को चूज किया होगा एग्जाम का, एग्जाम देने के लिए। तो जो पहला सिटी आपने फिल किया है एग्जाम देने के लिए, वही आपका जो होगा वो फर्स्ट एग्जाम सिटी आपका बनेगा यहां पर। तो उसी को जैसे क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहां पर आपको जो ह्यूमन वेरीफाई है इसे फिल करके जो सर्च का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड या जो स्टेटस है वो आपको दिखने लगेगा। दूसरा यहां पर ऑप्शन देखिए, अगर आपके पास रोल नंबर वगैरह है तो आप उसे फिल कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स आपका सेम रहने वाला है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप सिंपली अपने नाम और अपने फादर के नेम से आसानी से यहां पर सर्च कर सकते हैं, अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं, एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर देखिए थर्ड कॉलम में आपको अपना नाम लिखना है। अब अपना नाम केवल स्टार्टिंग के जो आपके इंग्लिश अल्फाबेट में 4 लेटर्स होते हैं केवल वही आपको लिखना है। यहां पर फादर्स के नेम में भी केवल आपको उनके स्टार्टिंग के 4 लेटर ही टाइप करने हैं। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, एग्जाम सिटी सिलेक्ट करना है, ह्यूमन कैप्चा जो आपका दिया जा रहा है वो फिल करके, और देखिए जो नीचे यहां पर आपको सर्च का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, इसी सर्च के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका स्टेटस होगा वो दिखाने लगेगा, और उसमें स्टेटस में जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस करके एक सेक्शन होगा उसके सामने लिखा होगा फॉर्म एक्सेप्टेड या फिर एप्लीकेशन एक्सेप्टेड। अगर एप्लीकेशन एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ रहा है तो जिस भी तारीख को आपका एग्जाम सिटी होगा या एग्जाम होगा वहां पर, वैसे आपको सारा डिटेल्स देखने को मिलेगा कि कहां पर आपका एग्जाम होगा, कितने बजे से एग्जाम प्रारंभ होगा, किस डेट को आपका एग्जाम होगा, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका फॉर्म एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ रहा है तो फिर नीचे की तरफ आपका जिस तारीख को एग्जाम्स होगा उससे 4 या फिर 5 दिन पहले का एक डेट दिखाएंगे और कहेंगे कि उस तारीख को आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा और उस दिन के बाद से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। यानी कि आपके एग्जाम डेट से 4 या फिर 5 दिन पहले आपको एग्जाम जो है वो सॉरी जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन वहां पर इनेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपके फॉर्म में फॉर्म रिजेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, फॉर्म रिजेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है और साथ में नीचे उसका रीजन दे रहे हैं कि किस रीजन से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, तो जल्दी से सबसे पहले तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा यहां पर और जल्दी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ जाइए ताकि आपका रिजेक्ट किया हुआ फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट कराया जा सके। तो देरी ना करते हुए कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिए कि आपको फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट हुआ है। अगर आपको फॉर्म गलती से रिजेक्ट हो गया है तो फिर आप जल्दी से हमें यह बता दीजिए कि किस रीजन से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जरूर जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए इस तरीके से तो आप आसानी से अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। इसका दोस्तों हम यहां पर वापस चलते हैं थोड़ा सा, और दोस्तों वापस आने के बाद देखिए मैं आपको जरा यहां पर कंफर्म करना चाहता हूं कि अभी जो आपका एडमिट कार्ड है वो हो सकता है कि केवल सेंट्रल रीजन का या फिर 2-3 रीजन का ही जो रिलीज किया गया है आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर, या फिर हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सभी रीजन का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया जाए। तो आपको चिंता नहीं करना है, 2 से 3 दिनों के अंदर जितने भी रीजन होंगे जिनका अभी तक एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ है एसएससी हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का, तो वो डेफिनेटली 2 से 3 दिनों के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। आप समय समय पर इसे चेक करते रहें। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपका फॉर्म में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है रिजेक्ट वगैरह संबंधित तो आप जल्दी से हमें कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिए, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपके किसी प्रकार की समस्या ना हो और इस भर्ती तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस भर्ती की आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ में एक और नए वीडियो में।